तो गाइज फाइनली कार फैशन पे दो दो गैंगस्टर एडिशन थार मॉडिफाई हो चुकी है। दोनों का साइड बाय साइड लुक दिखाऊंगा, दोनों का कंपैरिजन दिखाऊंगा। तो एक आप ओवरव्यू ले सकते हो, एक आइडिया लगा सकते हो कि अगर आपको अपनी थार मॉडिफाई करानी है तो किस टाइप के इंटीरियर दे सकते हो। ये दोनों आपके लिए सैंपल रेडी है। दोनों का सेपरेट वीडियो आपने देख लिया होगा, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए दोनों का कंपैरिजन एक ही फ्रेम में लाऊं कि ताकि आप काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाओ। तो चलते हैं एक्सटीरियर से बात करूंगा, क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन हुई है। दोनों ही थार में, दोनों ही थार ऑटोमेटिक है। और एक बार फ्रंट फेसिया बात करूंगा, पहले वाली जो हमारी रेड एडिशन वाली थार है ब्लैक एंड रेड का, इसका कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो। जीप रैंगलर स्टाइल वाली ग्रिल डाले हमने, और साथ के साथ स्टॉक हेडलैम्प में हमने LED डाला है मैक्सटोन ब्रांड की, और साथ के साथ हमने DRS डाला था। ये सारी चीज़ें कॉमन है। लेकिन साथ के साथ अगर दूसरी थार पे बात करूँगा तो आशीष भाई बताएंगे इस वाली थार से इस वाली थार में क्या डिफरेंस हुआ। एक्सटीरियर में बात करूँ मैं, भाई एक्सटीरियर के अंदर इसके अंदर हमने हेडलाइट्स के अंदर चेंज किया है। इसके अंदर हेडलाइट्स को स्टॉक रख के सिर्फ LED इंस्टॉल किए, ठीक है। इसके अंदर हमने हेडलाइट मॉडिफाइड वाली डाली है, मॉडिफाइड वाली। तो गाइस मैं एक बार करीब से दिखाऊंगा, ये मॉडिफाइड वाली लाइट आपने बहुत सारी देखी होगी, माइनस वाली आती है, और ये स्पेशली थार के लिए। थार की ये हेडलाइट का एक बार रिस्पॉन्स भी दिखाऊंगा। आशीष भाई एक बार बंद करके इनिशियली ऑन करके दिखाओगे ताकि व्यूअर्स रिलेट कर पाए कि अगर ऐसा थार बनाना हो तो कैसी बनेगी। बिल्कुल लाइट बंद कर दो, ऑन करो आप। गाइज ये वाली लाइट आप इनिशियली ऑन करोगे तो ब्लू में दिखेगा, और ये मैट्रिक्स में ब्लिंक होता हुआ अपना DRL दिख जाएगा, जो कि आपके इंडिकेटर का भी काम करता है। और जो बम्पर की बात करें, बम्पर दोनों का सेम है, जीप इंस्पायर रेंगलर स्टाइल वाली बम्पर है, और साथ में साथ हमने रेड क्लिपर को भी पेंट किया है। और साथ में यहाँ पे दोनों में कॉमन चीज़ है कि IPH का प्रोजेक्टर लगा है, और दोनों में मैक्सटोन ब्रांड की 180 वाट की LED डाली गई है, जिसका थ्रो रिस्पॉन्स आपको सामने मैं चेकआउट कराऊँ। यहाँ देख सकते हो इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। ऑफ रोडिंग के लिए ये वाली LED अपनी वाटर प्रूफ होती है। ये कौन सी मैक्सटोन की है? हाँ जी मैक्सटोन हमने डाला है 180 वाट की। अगर चाहोगे तो इसमें 240 की ऑप्शन है, जो कि हेडलाइट के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं। तो ये वाली कॉमन चीज़ है। एलॉय व्हील्स के लुक की बात करूँ तो मैं एक बार दोनों ही गाड़ी के एलॉय व्हील्स दिखाऊँ। डिज़ाइन सेम है लेकिन टायर की साइजेज अलग हैं। यहाँ पे देख सकते हो इस वाली एलॉय व्हील्स का, ये देख सकते हो डिज़ाइन पैटर्न सब कुछ सेम है। दोनों में 22 इंच के टायर डाले हैं, लेकिन ये ऑफ रोडिंग वाली टायर नहीं है, और इसमें गाइस हमने ऑफ रोडिंग वाली टायर डाला है। और इंजन देख सकते हो ये दोनों चीज़ें कॉमन हुई है। एक्सटीरियर का पार्ट गाइस ये था, और ये इस वाली थार में एक्सटीरियर में एक एक्स्ट्रा एड ऑन हुई है, जो कि आपको रूफ पर दिख जाएगा, हमर वाली लाइट। हमर वाली लाइट देख सकते हो गाइस कितनी बढ़िया लग रही है, बिल्कुल लाइट जो गाड़ी की लाइट है वो कम्प्लीमेंट कर रही है। और साइड में देखोगे दोनों में हिंजेज ऐड हुए हैं, जो कि फंक्शनल है। आप इस पर अच्छे से लोड कैरी कर सकते हो, और इस पर चढ़ के ऑफ रोडिंग के टाइप पे इसकी बेनिफिट ले सकते हो। एक बार रियर में चलते गए, रियर की दिखाता हूँ रियर में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन हुई है। रियर में देखो टेल लाइट दोनों ही गाड़ी का हमने सेम रखा है, दोनों में डिज़ाइन सेम है। इस वाले में टेल लाइट, और साथ के साथ अपनी लाइट जो आती है रिफ्लेक्टर, दोनों में कॉमन है। अलाउ इसके डिज़ाइन आपको सेम देखने को मिल जाएगा, और इस वाले में भी रिफ्लेक्टर में डिज़ाइन सेम मिलेगा। लेकिन 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 गाइस दोनों का इंटीरियर आपको साइड बाय साइड में दिखाऊंगा, दोनों का इंटीरियर बिल्कुल डिफरेंट है। चॉइस अपना अपना है, और डिज़ाइन भी आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। चलते इंटीरियर में दिखाता हूँ कि क्या क्या मॉडिफाई हुआ था। इंटीरियर में डोर पैनल से बात करेंगे गाइस। डोर पैनल हमने ओरिजिनल थार स्टाइल वाली एम्बिएंट लाइट डाली है, और एम्बिएंट लाइट आप काफ़ी करीब से देख सकते हो। इसका कलर आप चेंज कर सकते हो, ये K4 वाली है, रनिंग में जलेगी, और साथ के साथ यहाँ पे आपके बॉटल वाली लैंप भी आ जाता है, और ये वाली एम्बिएंट लाइट आपके फ्लोर लैंप का भी काम करेगा। इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, कलर आप अपने मूड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। साथ के साथ गाइस देख सकते हो डैशबोर्ड में भी यहाँ पे एम्बिएंट लाइट काफ़ी अच्छे तरीके से फिटिंग कर दी गई है। और इस वाले थार में गाइस ओरिजिनल AC वेंट्स रखा है कि ताकि एयर फ्लो अच्छा रहे। कस्टमर का चॉइस टू चॉइस है, आप चाहो तो जैसा बना सकते हो। यहाँ पे देख सको फुल साइज का इनर डोर हैंडल जो आता है ग्रैब हैंडल, वो लगा दिया है ताकि आपको इजीली एक्सेस हो चढ़ने में थार की। और गाइस जो मेन अट्रैक्शन है अपना प्रीमियम डिज़ाइन वाली सीट कवर, जो कि काफ़ी अच्छे से फिटिंग की गई है, डुअल स्टिचिंग वाली है। काफ़ी करीब से देखो, अगर आप वीडियो में देख कर कमेंट्स करके बता दोगे कि इसमें एक वीरिंग का सेट सीट कवर आपको सेम टू सेम वापस रिप्लेस कर दी जाएगी, प्रॉपर लेदर में, इम्पोर्टेड लेदर में इसकी फिटिंग कर दी गई है। और यहाँ पे देख सकते हो सेम ही डिज़ाइन का टैन कलर का जो डिज़ाइन है, उसी में हमने स्टिचिंग वाले आर्मरेस्ट रखा है। सेंटर कंसोल में देखोगे जो अपनी
टच स्क्रीन है इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसके पैनल्स को पियानो ब्लैक में कर दिया, जो भी पार्ट्स हमारे डल से होते हैं उसे पियानो ब्लैक में किया है। और ये वाली ड्राइवर साइड के सीट कवर है गाइस, वो डिज़ाइन देख सकते हो। साथ के साथ तो रूफ पे देखो, रूफ पे हमने सॉफ्ट टच वाली लेदर वाली कपड़े चढ़ाई है जो कि फुटबॉल डिज़ाइन में, और वो सेम आपके सीट कवर के कलर के डिज़ाइन है वही सेम डिज़ाइन में यहाँ पे कपड़े चढ़ा दी गए हैं और ये फुटबॉल डिज़ाइन में। और साथ के साथ जो ब्लैक से इंटीरियर का डल सा पार्ट होता है गाइस, उसे चेंज करके हमने सेम टैन कलर में इसे पेंट किया। और साथ के साथ यहाँ स्पीकर्स वाले जितने पैनल्स है उसे हमने ग्लॉसी ब्लैक में पेंट किया ताकि लुक गाड़ी के इंटीरियर काफ़ी अच्छी लगने वाली है। रियर से फ्रंट के सीट कवर के डिज़ाइन देख सकते हो गाइस, काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये देखो इंटीरियर सारे पैनल्स देख सकते हो ग्लॉसी ब्लैक में, काफ़ी करीब से देखो। और ये रूफ में कितना बढ़िया रूफ लग रहा है गाइस, फुटबॉल डिज़ाइन में। और ये है हमारा फ्रंट से रियर के सीट। साथ के साथ गाइज आर्मरेस्ट देख सकते हो, आर्मरेस्ट अपना चार्जिंग वाला होगा। और आर्मरेस्ट कंसोल गाइज ये हमने पियानो ब्लैक में रखा है। और ये देख सकते हो यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, फुल साइज का आर्मरेस्ट दोनों मिल जाएंगे। और ये राइट साइड में देख सकते हो आर्मरेस्ट, तो इसकी प्लेसमेंट बिल्कुल सीट कवर के इंटीरियर के डिजाइन के अकॉर्डिंग है। सीट कवर का डिजाइन देख सकते हो रियर की, और यहाँ पे आपके साइड में आर्मरेस्ट दिख जाते हैं। और ये रूफ के पैनल्स है गाइज, तो ये था इंटीरियर अपनी थार की, और प्रॉपर स्टिचिंग देख सकते हो थार की है। और मैं चलता हूँ ड्राइवर साइड में, ड्राइवर साइड में दिखाता हूँ स्टेयरिंग कैसे रैपिंग कर दी गई है। तो गाइज ये अपना ड्राइवर साइड वाले डोर है, इस पर भी आप देख सकते हो थार की ओरिजिनल एम्बियंट लाइट है। और साथ के साथ ये देख सकते हो स्टिचिंग, जो स्टेयरिंग व्हील्स की स्टिचिंग है जो टॉप मॉडल का आता है गाइज, वही सेम की गई है। स्टिचिंग की क्वालिटी देख सकते हो बिल्कुल जेन्युइन वाले होंगे, नई महिंद्रा के लोगो देखने को मिल जाएंगी। और ड्राइवर साइड में भी ये वाले ग्रैब हैंडल लगाए गए। रूफ देख सकते हो वन टाइम में, वन शॉट में रूफ, रूफ का डिज़ाइन देख सकते हो सीट कवर से बिल्कुल आपका मैचिंग होता हुआ दिख जाएगा। और ये है अपना सीट कवर गाइस, और ये ड्राइवर के साइड में देख सकते हो एक्स्ट्रा फॉर्म डाली हुई है। वहीं पे मैं आपको रेड एंड ब्लैक का एडिशन दिखाऊंगा गाइस। और गाइस ये अपना एम्बियंट लाइट देख सकते हो कितनी बढ़िया लग रही है, और ये अपने एम्बियंट लाइट पूरे डैशबोर्ड पे। और ये थार के लिए, तो ये है गाइस डोर्स का, और ये जेन्युइन थार का जो आता है एम्बियंट लाइट जो लोगो आता है वो है। और इसे आप कलर भी चेंज कर सकते हो, और ये सारे पार्ट पियानो ब्लैक में कर दिए गए हैं जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। और यहाँ पे एसी वेंट्स गाइस, ये थार की जेन्युइन है, ये देख सकते हो कितने बढ़िया लग रहे हैं थार के इंटीरियर और ये एम्बियंट लाइट। तो आपको कमेंट्स करके बताना है अगर आपको सेम सीट कवर लगाना है डुअल टोन वाली, डुअल स्टिचिंग वाली, तो आप रेड एंड ब्लैक एडिशन बना सकते हो जो कि गैंगस्टर एडिशन वाली थार है, और ये काफ़ी अच्छी लग रही है सकते हो। साथ के साथ रूफ को हमने यहाँ पे लेदराइट किया, और ये वाले पैनल्स आपको रेड में दिखेंगे, रेड में देख सकते हो। और जो स्पीकर्स हैं उसे हमने पियानो ब्लैक में किया, तो काफ़ी करीब से देखो रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। और साथ में ये देखो ये वाली लेदर चढ़ाई गई है जो सीट कवर कवर की क्वालिटी है, सीट कवर के जो कपड़े आते हैं वही क्वालिटी में चढ़ाई गया। और ये फुटबॉल डिज़ाइन वाला सीट कवर है, तो ये अपना हो गया सीट कवर रेड एंड ब्लैक में। और साथ के साथ रूफ भी आपको रेड एंड ब्लैक में दिखेगा। इंटीरियर रियर के सीट देख सकते हो गाइज, रियर के जो सीट कवर का डिज़ाइन है वो है नेक्स्ट लेवल की। सीट कवर के डिज़ाइन देख सकते हो, ये काफ़ी बढ़िया लगने वाला है। तो ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आप एक आइडिया लगा सकते हो कि अगर आपको रेड एंड ब्लैक में सीट कवर चाहिए तो आप इस टाइप से लगा सकते हो। स्टेयरिंग व्हील्स की बात करोगे, इस पर हमने रेड का इंसर्ट इसे हाइड्रोडिप वाली पेंट कराई गई, महिंद्रा का लोगो काफ़ी अच्छा लग रहा है रेड में। और इसकी स्टिचिंग है मून डिज़ाइन में, इसकी स्टिचिंग कराई है मून डिज़ाइन में, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। डुअल स्टिचिंग है, कपड़े की क्वालिटी देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। और ये सारे डोर्स पैनल है, तो एक बार कंप्लीट आप इंटीरियर का लुक देख सकते हो। और ये अपना एसी वेंट्स, और ये ड्राइवर साइड का जो अपना थार के रूफ है रेड एंड ब्लैक वाली के, उसकी देख सकते हो। नीचे पियानो ब्लैक का, जितने स्पीकर्स वाले आते हैं उसे हमने पियानो ब्लैक में किया है। और ये सारे पार्ट आपको लेदर में है, फुटबॉल डिज़ाइन वाले जो कपड़ा आता है वो चढ़ाया गया, और इसके ऊपर आपको हीट रिड्यूस करने वाले फोम डाला गया ताकि आपकी गाड़ी की कूलिंग काफ़ी अच्छी रहे। तो गाइज़ ये था हमारे थार की दोनों की मॉडिफिकेशन, दोनों का एक आइडिया मैंने दे दिया। जानते हैं आशीष भाई कार फैशन से हमारे साथ। आशीष भाई, अगर इस टाइप की थार की मॉडिफिकेशन करानी हो तो क्या टाइम लग जाता है? पूरा दिन लग जाता है। और अगर एड ऑन कुछ चीज़ें कराएं तो
टाइम बढ़ जाता है। तो ये सारे को नंबर चलता हुआ अधिक जगह डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो आशीष भाई के, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो महिंद्रा जेन्युइन सारे एक्सेसरीज मिल जाएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो आप कॉल करो, दोनों वीडियो कैसी लगी, दोनों थार कैसी लगी कमेंट्स करके बताना, अगर कोई सुझाव हो वो भी कमेंट्स कर सकते हो। आप वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस करना ताकि कार से रिलेटेड ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।